So here I am with the very next chapter of science for class 7th. The book that I will be taking is Science Collins Only. The name of the chapter is A Fiber to Fabric, and this is chapter number 5 in the video series. And according to the book, it is chapter number 3. So the name of the chapter is A Fiber to Fabric. That means definitely in this chapter we will be studying about various threads and the fabric that is being prepared using those threads. So before getting into the details of the chapter, the various contents that we will be covering in the whole chapter is wool. That means सबसे पहले हम wool के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद wool का production कैसे होता है, उसके बाद silk और sericulture क्या होता है. यानी इस पूरे chapter में mainly हम दो fibers के बारे में पढ़ रहे हैं, दो threads के बारे में पढ़ रहे हैं, that is wool and silk. Along with this, we are also studying कि इनकी production कैसे की जाती है. So, to have a very brief intro to the chapter, जो हम cloth पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े बनते हैं fabric से, यानी कपड़े से. And वो fabric जो है, वो ready होता है yarns से. और वो yarns कहाँ से बनते हैं? After weaving the fiber. जब हमें thread हमें मिलता है, चाहे nature से मिले या कहीं से भी मिले, किसी एनिमल से मिल रहा होता है या कहीं से भी, उस फाइबर को प्रॉपरली वीव किया जाता है, वीविंग की जाती है, निटिंग की जाती है, उसके बाद उस फाइबर से बनता है यार्न. एंड उस यार्न को क्लब करके वी गेट द फैब्रिक, एंड फैब्रिक से बनते हैं स्टिचिंग करके क्लोथ. तो इन्हीं फाइबर्स के बारे में हमें पढ़ना है. फाइबर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज मैन मेड फाइबर एंड अनदर इज नेचुरल फाइबर. अगर मैं मैन मेड फाइबर्स की बात करूं तो मैन मेड फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. दैट मींस दे आर द मैन मेड फाइबर्स, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन द फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द मैन मेड फाइबर्स आर रेयन एंड सिल्क. एक्चुअली दिस सिल्क इज द आर्टिफिशियल सिल्क, बिकॉज सिल्क जो है वो हम आर्टिफिशियली केमिकल्स के थ्रू भी प्रिपेयर करते हैं, एंड हमें नेचुरली एनिमल से भी मिलता है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो दीज आर द मैन मेड फाइबर्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट द नेचुरल फाइबर्स, देन नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेंड ईदर बाय प्लांट्स या एनिमल्स. ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, यानी नेचर से हमें मिल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल वूल एंड सिल्क. इन्हीं दो फाइबर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वूल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक. सो फर्स्ट नेचुरल फाइबर दैट वी विल बी टेकिंग इज वूल, एंड द सेकंड वन इज सिल्क. सो वी आर स्टार्टिंग विद द वूल. वूल जो है वो एक नेचुरल एनिमल फाइबर है. इसे एनिमल फाइबर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज मेनली ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सम एनिमल्स. फ्लीस का मीनिंग क्या होता है? फ्लीस मीन्स द सॉफ्ट फाइन हेयर दैट कवर्स द बॉडी ऑफ शीप. शीप और शीप जैसे बाकी एनिमल्स के जो बॉडी पर हेयर होते हैं, उसे फ्लीस बोला जाता है. और इसी फ्लीस से हमें मिलता है वूल फाइबर. वूल फाइबर की क्या क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेता है, और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है. इसी वजह से हमारी बॉडी में से हीट का लूज लॉस नहीं हो पाता. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वूल फाइबर के कपड़े पहनने के बाद वी ऑल फील वेरी वॉर्म. मैं वापस से रिपीट कर दूँ, वूल फाइबर्स को यूज़ करके हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वॉर्म क्यों रहती है? क्योंकि वूल जो है वो अपने स्पेसेस में एयर को फिल कर लेता है, और एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जो हीट है उसका लॉस नहीं होता. एंड हमारी बॉडी में अगर हीट रहेगी तो वी विल फील वॉर्म. So if we talk about the various characteristics of the wool fiber, the number one is it appears creamy white in color. जो wool fiber है वो creamy white color का होता है जो हमें obtain होता है. And it does not wrinkle easily. उस पर easily layers नहीं बनती हैं, उस पर easily सलवटें नहीं आती है. It needs no iron. उस पर हमें press करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ वेरी ड्यूरेबल, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है. इसके अलावा इलास्टिक बहुत होता है, हम उसे बहुत ईजीली स्ट्रेच कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अपनी बॉडी लाइक वूल फाइबर में से हीट जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती.
इसके अलावा वूल फाइबर इट इज़ एबल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में. सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल फाइबर. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट एक्चुअली फ्रॉम विच टाइप ऑफ एनिमल्स और फ्रॉम विच एनिमल वी गेट दिस वूल. तो वी हैव नियरली 4 to 5 कैटेगरीज ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट द वूल. नंबर 1 इज अ शीप. शीप के लिए हमारे पास कुछ इंडियन ब्रीड्स भी हैं, ब्रीड्स यानी टाइप ऑफ शीप्स, एंड कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स भी हैं. एग्जॉटिक ब्रीड्स का मतलब है जो आउट ऑफ इंडिया शीप हम यूज़ करते हैं वूल को ऑब्टेन करने के लिए. शीप के अलग अलग सारे एग्जाम्पल्स के लिए अभी हम एक प्रॉपर टेबल देखेंगे फॉर इंडियन एज वेल एज फॉर एग्जॉटिक ब्रीड्स यानी फॉरेन ब्रीड्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल, दैट इज गोट. गोट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेनली दो सबसे स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं. वन इज एंगोरा गोट ब्रीड एंड नेक्स्ट इज कैश्मीर गोट्स ब्रीड. जो अंगोरा ब्रीड्स है गोट की, उससे हमें जो फाइबर मिलता है वूल का, उसका नाम होता है मोहर. एंड जो कैश्मीर ब्रीड है गोट्स की, उससे जो हमें वूल फाइबर मिलता है उसका नेम है कैश्मीर. एंड द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट द वूल इज कैमल्स. अगर हम कैमल्स की बात करें तो जो मेल कैमल होता है वो एक ईयर में नियर अबाउट 12 to 15 kg ऑफ वूल फाइबर हमें प्रोवाइड कराता है. एंड अब जो फीमेल कैमल होता है वो एक ईयर में 6 to 8 kg ऑफ वूल हमें प्रोवाइड कराता है. आफ्टर कैमल रैबिट एंड याक, दीज आर ऑल्सो द टू एनिमल्स फ्रॉम विच वी कैन गेट द वूल फाइबर. जो रैबिट है जिससे हमें वूल मिलती है उस ब्रीड का नाम, उस ब्रीड को हम एंगोरा रैबिट बोलते हैं, और जो वूल हमें उससे मिलती है उसे एंगोरा वूल बोला जाता है. एंड अगर याक की बात करें तो याक इज़ मेनली फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख, एंड फ्रॉम देयर बॉडी वी कैन हैव द वूल फाइबर. सो दीज आर द वेरियस examples of the animals from which we get the wool. Now look upon the table that depicts you the various examples of the sheep for Indian breed as well as for foreign breed. It's time to look upon the various examples of the sheep breed. जो ये ऊपर वाली टेबल है, दिस इज़ द टेबल फॉर द सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, यानी कुछ ऐसी शीप्स जो हमारे इंडिया की ब्रीड है. एंड नीचे वाली जो टेबल है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द शीप जो कि एग्जॉटिक है. जो एग्जॉटिक वर्ड है वो ऐसी शीप्स के लिए यूज़ किया जाता है जो हमारे इंडिया से बाहर की शीप्स हैं, यानी जो फॉरेन ब्रीड्स हैं उनके लिए हम एग्जॉटिक वर्ड यूज़ करते हैं. सो इंडियन ब्रीड्स में कुछ नेम्स हैं, लोही, रामपुर बुशेर, नली, बरखरवाल, मारवाड़ी एंड पटनवाड़ी. इनकी अगर मैं वूल क्वालिटी की बात करूँ तो लोही गिव्स द गुड क्वालिटी वूल. द सेकेंड वन गिव द ब्राउन फ्लीस, यानी ब्राउन कलर का जो वूल है वो हमें इससे मिलता है. हमें जो कारपेट के लिए वूल चाहिए होता है वो हमें इस ब्रीड से मिलता है. जो हमें शॉल्स के लिए चाहिए उसका वूल हमें इससे मिलता है. उसके अलावा जो कोर्स वूल और होइजरी के लिए हमें वूल चाहिए वो यहाँ से मिलता है. ये जो सारी ब्रीड्स हैं ये किस किस स्टेट्स में इंडिया के मिलती हैं, इट हैज़ बीन रिटन ओवर हियर. मैक्सिमम मेजॉरिटी दैट वी आर गेटिंग इज़ फ्रॉम गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. दीज आर द मेन स्टेट्स वेयर दीज फॉलोइंग ब्रीड्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सम एग्जॉटिक ब्रीड्स देन इट्स मेरीनो, बारबाडो, डामरा, कतादन एंड टारगी. दीज ऑल आर द एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ शीप. एंड ये जनरली स्पेन, टेक्सास, एंगोला एंड यूनाइटेड स्टेट्स. सो दीज आर द ब्रीड from a particular country they belong. So these are the various examples and the quality of wool which we get from them and the name of the state or the country where they are found. Now the question arises ki properly kis tarike se sheep se jo wool hai वो प्रोसेस करके निकाली जाती है, उसका फाइबर बनाया जाता है. लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं शीप के बारे में जो हमें पढ़ने हैं. दैट इज़ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ शीप लिव एंड मूव इन ग्रुप्स कॉल्ड फ्लॉक्स. शीप जो है
वो कभी भी अकेली नहीं रहती, वो हमेशा ग्रुप्स में ही रहती है और ग्रुप्स में ही मूव करती है। और शीप के उन ग्रुप्स को बोला जाता है फ्लॉक्स। जो बिग ग्रुप होते हैं शीप के, जो शीप का बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है, उसे बोला जाता है हर्ड। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड रेजिंग ऑफ शीप इज कॉल्ड रियरिंग। शीप को घर में पालना, उसको प्रॉपरली रेज करना, बड़ा करना, उसकी केयर करना, दिस इज नोन एज रियरिंग। द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड रेजिंग ऑफ शीप इज कॉल्ड रियरिंग। इन इंडिया स्टेट्स वेयर दे आर रियर्ड, जो मेजर स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर शीप को रियर किया जाता है, रियरिंग की जाती है शीप की, दैट आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल, प्लेन्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर द शीप आर रियर्ड। इफ यू टॉक अबाउट द डाइट ऑफ द शीप, देन दे आर हर्बीवोर्स, दैट मीन दे ईट ओनली प्लांट्स। दे फीड ऑन ग्रास, वीड्स, ज्वार, oil cakes and mixture of pulses. So these are the some selected food items that are being offered to the sheep whenever they are reared. After that, if we talk about their shelters, तो जिन shelters में sheep को रखा जाता है वो shelters हमेशा properly ventilated होने चाहिए और हमेशा dry होने चाहिए। ये कुछ important point है जो हम discuss करने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअल में हम बहुत बार क्या करते हैं, शीप को सेलेक्टिवली ब्रेड करते हैं। सेलेक्टिवली ब्रेड करने का क्या मतलब है कि हम एक टाइप के शीप को दूसरे टाइप के शीप के साथ सेलेक्टिवली इंटेंशनली हम छोड़ देंगे ताकि जो उनका ऑफस्प्रिंग बने वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का हो। और उन डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ सकता है, नंबर वन, हो सकता है कि हमें वूल की प्रोडक्शन बढ़ानी हो, इसलिए हमने दो ऐसे शीप्स को चूज़ कर लिया जिनकी वूल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जो उन शीप का रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, वो एक ऐसा शीप होगा जो वूल की प्रोडक्शन को बहुत अच्छा कर देगा। मे बी पॉसिबल टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ वूल, हमें वूल की अपीयरेंस को सुंदर बनाना है। एक शीप ऐसा है जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, एक शीप ऐसा है जिसका अपीयरेंस वूल का बहुत अच्छा है, तो उन दोनों की हम ब्रीडिंग करा देंगे तो जो उनका रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ये दोनों क्वालिटीज़ होंगी। इसके अलावा हो सकता है हमें कोई शीप ऐसी चाहिए हो जो डिजीज़ से रेजिस्टेंट हो, यानी उसको कोई भी डिजीज़ ना हो सके। हमें कोई शीप ऐसे चाहिए हो जो हार्श से हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सके। तो किसी भी शीप में ये सारी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स डालने के लिए हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके शीप्स को ब्रीड करा देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जब हम किसी ऑफस्प्रिंग में अपने मनपसंद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहते हैं, और वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स कैसे, जो मैंने यहाँ ये चार कैरेक्टर्स रखे हैं, तो इन डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन करने के लिए हम स्पेशली पेरेंट्स को खुद से सेलेक्ट करते हैं, ताकि वो शीप जो हैं, जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जो पेरेंट शीप हैं, वो ब्रेड करें आपस में, एंड उनके जो ऑफस्प्रिंग जनरेट हों उनमें हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हों। एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसमें हम सेलेक्टिवली पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें ऑफस्प्रिंग में डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएं। So these are some facts about the rearing and breeding of sheep. Now move to the flow chart in which you will learn that how step by step from sheep we can obtain the wool fiber. Now we'll be discussing the complete flow chart that how from the hair of a sheep a fabric can be made, that is of wool. So this is the flow chart that I am showing you, and I will be explaining you each and every process one by one, because these are the actually various steps of the wool production. So very first step is known as shearing. Shearing ka meaning hai the removal of fleece from the body of a sheep, which is done with the help of clippers, scissors or shearing machine. जब शीप की बॉडी से फ्लीस को रिमूव किया जाता है, यानी जब उसके हेयर को रिमूव किया जाता है, तो उस रिमूवल ऑफ हेयर को विद द हेल्प ऑफ क्लिपर्स, सिजर्स या फिर शीयरिंग मशीन, इस रिमूवल ऑफ हेयर को बोला जाता है शीयरिंग।
एंड द पर्सन हु रिमूव्स द वूल इज कॉल्ड शियरर. जो बंदा शियरिंग करता है उसको बोला जाता है शियरर. एंड ये शियरिंग जनरली समर्स में की जाती है, यानी शीप के बॉडी से जो बाल हैं वो समर्स में हटाए जाते हैं. यानी हमें फ्लीस जो है वो मिल गई शीप की बॉडी से, हमने उन्हें काट के अलग कर लिया. सो द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज स्काउरिंग. स्काउरिंग में क्या होता है, जो हेयर हमें शीप की बॉडी से मिले हैं उनमें ग्रीस, डस्ट, डर्ट, ऑयल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो द फ्लीस इज प्रॉपरली वॉश्ड विद डिटर्जेंट्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, और इसी वॉशिंग को बोला जाता है स्काउरिंग. उसके बाद हमने जब हेयर को प्रॉपरली वॉश आउट कर लिया, उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप डन इज सॉर्टिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी डैमेज्ड वूल फ्रॉम द फ्लीस. जो हमें वॉशिंग के बाद प्रॉपरली हेयर मिले हैं, अगर उसमें से कोई भी डैमेज्ड फ्लीस है, कोई भी खराब फ्लीस है, तो उसके रिमूवल को बोला जाता है सॉर्टिंग. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज ग्रेडिंग. ग्रेडिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, कलर एंड टेक्स्चर. उन सारे वूल्स में से हम ग्रुपिंग करेंगे, यानी जो वूल का पोर्शन एक जैसी लेंथ का है उसका एक ग्रुप बनाया, जो एक जैसे कलर है उसका एक ग्रुप बनाया, और जो एक जैसे टेक्स्चर का उसका एक ग्रुप बनाया. तो इस ग्रुपिंग के फिनोमेना को बोला जाता है ग्रेडिंग. ग्रेडिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज डाइंग. डाइंग का मीनिंग क्या है, जो एक्चुअल में हमें नेचुरल फ्लीस मिलती है ना शीप से, वो या तो वाइट कलर की होती है, या ब्राउन कलर की होती है, या ब्लैक कलर की होती है. तो उसको हम अलग अलग डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो दिस स्टेप इज डाइंग. आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग. जब हमने डाइंग कर दी प्रॉपरली, उसके बाद कलर करने के बाद वूल को प्रॉपरली मशीन्स में से निकाला जाता है, ताकि वो मशीन्स क्रश करके उस वूल में से जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर दे. सो दिस इज ड्राइंग. आफ्टर ड्राइंग द नेक्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग. स्पिनिंग में क्या किया जाता है, जो फाइबर हमें प्रॉपरली कलर होके मिला है उसे ऑयल किया जाता है, उसे स्ट्रेट किया जाता है, उसे प्रॉपरली कॉम किया जाता है, वॉश किया जाता है, और फिर उसके यार्न्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, लंबे लंबे धागे उसके बनाए जाते हैं. और फाइनली स्पिनिंग के बाद उस वूल फाइबर की क्या की जाती है, वीविंग और निटिंग करके उन लार्ज फाइबर से क्या बनाए जाते हैं, स्वेटर्स और वूलन क्लोथ्स. So this is the complete flow chart for the wool production that consists of many steps. One is shearing, then scouring, then sorting, then grading, then dyeing, then drying, then spinning, then weaving and knitting. So this is the complete procedure of wool production. If we talk about the major health hazards in wool industry, जो workers, जो human beings wool industry में काम करते हैं, उनकी health के लिए जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हजार्डियस होता है, दैट मींस डेंजरस होता है. क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती हैं, लेट्स लुक ओवर दैट. नंबर वन, एक इन्फेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एंथरेक्स. ये एक कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि गोट्स और शीप में होती है. जो वर्कर्स शियरिंग और सॉर्टिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं वो वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रॉन होते हैं कि उनको ये डिज़ीज़ हो जाए. एंथरेक्स डिजीज को सॉर्टर डिजीज भी बोला जाता है. सो द वन ऑफ द मेजर हेल्थ हजार्ड रिलेटेड विद द वूल इंडस्ट्री इज दैट द वर्कर्स इंडल्ज्ड इन द शियरिंग एंड सॉर्टिंग प्रोसेस दे कैन गेट थ्रू दिस एंथरेक्स बैक्टीरियल डिजीज. नेक्स्ट वन, इट लीड्स टू स्किन, लंग एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स. वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. इसके अलावा वूल को डाई करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसकी वजह से उनके आईज में इरिटेशन हो सकती है, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. इसके अलावा जिस इंडस्ट्री में, वूल इंडस्ट्री में जब वो काम करते हैं, वहाँ पर अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं वहाँ पर, और अगर ह्यूमिडिटी भी है वर्क प्लेस पे, तो वो वैसे ही वर्कर्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है. जो फैक्ट्रीज में जो मशीन्स का लाउड नॉइज़ होता है जब वूल की प्रोसेसिंग होती है उस दौरान, तो उस लाउड नॉइज़ की वजह से हियरिंग लॉस कैन ऑल्सो बी अ वेरी मेजर हेल्थ हजार्ड दैट कैन बी फेस्ड बाय वर्कर्स ऑफ द वूल इंडस्ट्री. सो दीज फाइव आर द मेजर हेल्थ हजार्ड्स दैट आर
proven to be very much dangerous for all the workers working in the wool industry.